नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर के गहमर थाने की टीम ने बहत गांव के पास ट्रक में भरी 34 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा है। बता दें कि अंतर्राज्यीय तस्कर नरेंद्र उर्फ दीपक और सोनी दोनों मिलकर ट्रक से भरी हरियाणा निर्मित अवैध शराब की खेप को यूपी से बिहार ले जाई जा रही थी कि मिली सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर ड्राइवर समेत शराब से भरी ट्रक को पकड़ लिया गया, जबकि एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए शराब तस्कर से पूछताछ के दौरान अपने आप को ताजपुर खुद छावला साउथ दिल्ली में रहता है, जो मूल रूप से हरियाणा के झांझर जिला के झांझर थाना इलाका का रहने वाला है। वहीं मामले में एसपी सिटी प्रदीप दुबे ने बताया कि 34 लाख की हरियाणा निर्मित अवैध शराब बिहार ले जाई जा रही थी। मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर ट्रक से भरी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। इस कामयाबी से गहमर थाने की टीम को पुलिस अधीक्षक की तरफ से 10,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सर, आज जो ये पकड़े गए हैं लोग, किस तरह का है मामला? ये अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के दृष्टि से बराबर जो है जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक गहमर श्री बाल मुकुंद मिश्रा को बहुत अच्छी एक सफलता कल सुबह प्राप्त हुई है। ये भदौरा के पास में इन्होंने एक हरियाणा की ट्रक पकड़ी और तलाश करने पर उसमें 52,800 शीशी यानी कुल लगभग 1100 पेटी जो है शराब वाहन का ड्राइवर नरेंद्र पकड़ा गया है, जैसे पता साउथ दिल्ली का है। इस तरीके से क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से सरकार जो अवैध शराबों के प्रति चिंतित है, उस दृष्टि से SHO गहमर का यह कार्य काफी प्रशंसनीय है। जो पकड़ा गया शराब, सर उसकी लगभग मूल्य क्या होगा? बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य लगभग 34,000 पुलिस ने आंका है। 34 लाख ये आंका गया है कि 34 लाख के आसपास। एमएमसी न्यूज़ के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।